हमारे काम करने का तरीका और उनका तरीका एकदम दिन रात का अंतर है। और ये अंतर हमको दिखाई देगा जब मोदी जी की शुरुआत जब हुई, उस बात को ध्यान करते हैं, प्रधानमंत्री बनने से पहले कुछ मीडिया के अखबार वालों के लोगों ने उनसे पूछा कि मोदी जी आप देश की बागडोर संभालने वाले हैं, आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है। अब किसी ने सोचा उत्तर देंगे कि भाई बिजली पानी सड़क ये चैलेंज है, किसी ने सोचा होगा कि बेरोजगारी ये समस्या है, ये चैलेंज है, कोई सोचता होगा कि यहां की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना ये चैलेंज है, कोई कुछ सोचता कोई कुछ सोचता। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा चैलेंज मालूम है क्या बताया, उन्होंने बताया कि मेरी बिरादरी, अब लोगों ने सोचा कि बिरादरी अपनी जाति पाति की बात करते होंगे, अपने खानदान की बात करते होंगे, बिरादरी तो वही मानते हैं। उनका नहीं नहीं, मेरी बिरादरी जो मेरे साथी राजनीतिक नेता है ना, इनकी छवि, इनके बारे में धारणा मुझे ये ठीक करनी है, ये बहुत खराब है। यानी राजनीतिक नेताओं के बारे में क्या क्या लोग सोचते थे। 5 साल पहले तक अगर किसी अच्छे भले सभ्य आदमी को ये कहा जाता तू राजनीति में चला जा, वो हाथ जोड़ता था, ना भाई ना मेरे बस का काम नहीं है, मैं तो साफ सुथरा बाहर ही ठीक हूं। मतलब ये होता था कि राजनीति गंदा खेल है, राजनीति में अच्छे आदमियों का काम नहीं है। अब ये कहते थे तो इतना बड़ा चैलेंज उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, राजनीतिक लोगों को भी शुद्ध होना चाहिए, इनको भी ईमानदार होना चाहिए, इनको भी समस्याओं के साथ लड़ने वाला होना चाहिए, परिवारवाद से ऊपर उठ के चलना चाहिए, वंशवाद से ऊपर उठ के चलना चाहिए। और उन्होंने शुरुआत कहां से की, उन्होंने कहा कि मानस में जो कुछ भरा हुआ है एक छोटा वाक्य, इसको बोल करके ठीक कर सकते हैं हम। उन्होंने वो वाक्य मालूम क्या बोला, उन्होंने बोला हम सबको एक ही बात मन में धारणी चाहिए, क्या, देश पहले मैं बाद में।